सर, सरावली ग्राम पंचायत का ये चुनाव अब दूसरे पड़ाव पर आ चुका है। जैसा कि कल हमने बताया था कि ये चुनाव विकास पर लड़ाया जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुजन विकास आघाड़ी की पूरी टीम हमारे सामने जो है वो इस वक्त मौजूद है और जानेंगे इनसे कि किन किन मुद्दों पर इनसे चर्चा हो सकती है और किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरह से। हमारे साथ है शहर अध्यक्ष। आप ये बताइए कि ये जो चुनाव अब चल रहा है इसमें कितना पब्लिक गेन आपको महसूस हो रहा है, कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं और नॉर्मल दिनों में और इन चुनावी दिनों में क्या महसूस हो रहा है? हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, शुरू से ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, विधायक क्षेत्र है, विधायक ने यहाँ पे करोड़ों रुपए का काम किया हुआ है, तो इस करोड़ों रुपए काम करने के बाद ये जान के लोग सिटी के तरफ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। और जो हमारे वरिष्ठ हैं आपा हितेंद्र ठाकुर जी और राजू नाना सितेश ठाकुर, ये हमारे क्षेत्र में इतने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, इसके लिए लोगों का भीड़ हमारे तरफ ज़्यादा है, लक्ष्य कामों की तरफ ज़्यादा है। हमारी जो ये सरावली ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्रीज आती है, इंडस्ट्रीज आती है, जो तरीके से जो काम होना चाहिए वार्ड में, जितना फास्ट काम होना चाहिए हर एरिया में, उस तरीके से काम हो नहीं रहा है। इसके लिए हमने इस बार हमारे सिटी का उम्मीदवार खड़ा किया है, सब जगह से सदस्य और सरावली वार्ड से जो हमारा सिटी का उम्मीदवार अजीज मेमन सिटी सिंबल है और उम्मीदवार कम अभी क वार्ड में खड़े हैं। क वार्ड का निशानी है टीवी, टेबल और कपाट। हम क वार्ड से अभी खड़ा होकर बोल रहे हैं और हम इतने दिन से इसमें घूम रहे हैं तो काफ़ी सारा काम छूट गया है और जो काम छूट गया है ये हमारे अभी सदस्य और अजीज मेमन जी सिटी से खड़े हैं, ये सब अच्छी तरह से करेंगे। हम सब जनता को आपके माध्यम से प्रसारित करना चाहते हैं, बोलने चाहते हैं कि आप हमको बहुत से बहुमत से जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आपने सुना शहर अध्यक्ष जी का कहना है कि बहुत सारे काम जो है यहाँ पर जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, वो छूट गए हैं, इसीलिए अब बहुजन विकास आघाड़ी जो है वो मैदान में आ गई है, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, वो जो छूटे हुए काम है उन्हें भी पूरा करना है और आगे भी बहुत सारे काम करने हैं। आइए चलते हैं और भी सदस्यों से मिले। आपका नाम? मोहन दुबे जी, बताइए। मतलब हमारे परिसर सरावली गट क्रमांक 3 अवध नगर के आज हमारे 3 उम्मीदवार आज जीर्ण समस्या लेकर के आज समाज के अंदर में जा कर के यह अपना यह दिखा रहे हैं कि जो हमारा रुका हुआ काम अवरुद्ध है, जैसे पानी की समस्या जीर्ण है, 4 दिन पे पानी आता है, मिलता भी नहीं है और चला जाता है। हमारे रोड की समस्या ऐसे ही है कि चल नहीं सकते हैं, चाहे आज़ाद नगर है चाहे अवध नगर है, अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, समाज में किसी भी प्रकार का विकास नहीं है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, बिल इतना ज़्यादा आता है कि आदमी गरीब भर नहीं सकता है, ऐसी पोजीशन में बिल आता है 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार। ऐसा हमारा कुछ काम हमारे यहाँ के हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक जी ने कुछ जगह पे काम करके हमारे आज़ाद नगर और नगर में दिया है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, जिसके के लिए हमारे ये 3 उम्मीदवार वसीम चौधरी, आशा भागवत मिश्रा और प्रीति सोनू पांडे को आज हमारे परिसर से हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके के लिए ये समाज का काम कर सकें। धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पर सभी का एक ही कहना है कि काम जो है वो नहीं हुआ है इतने सालों में और इसीलिए बहुजन विकास आघाड़ी जो इस इलेक्शन में अपना मुद्दा बनाए हुए है वो है विकास। तो आइए और उम्मीदवार जो है मैडम उनसे जानेंगे कि किस तरह से काम आगे करना चाहेंगी और क्या क्या काम जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है, जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, कितनी समस्याएं यहाँ पर? समस्याएं तो यहाँ बहुत है और जो है यहाँ गटर का समस्या है, रोड का समस्या है, पानी का समस्या है, वो सब जो है हमारे पार्टी दल जो हैं ये सब लोग करेंगे और हमारे जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो हैं उनके सहयोग से और हमारे वसीम भाई और ये जो हम लोग अपना सदस्य जो हैं हम लोग अपना मिलके करेंगे, जो भी समस्या होगा हम करेंगे। तो समस्या जो है वो सबकी एक ही है और जिस तरह से हमने हमारे रिपोर्टिंग में भी दिखाया
कि जैसे गटर हो गया, रोड हो गई, सड़क, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं ये बहुत ही ज्यादा है वहां पर। इतने सालों में विकास जो दर है वो बहुत ही निचला रहा है। अब जानेंगे सरपंच उम्मीदवार अजीज मेमन साहब से कि क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। जैसा कि आपने कल बताया था कि विकास मुद्दा है और समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो सारे लोगों में आज हम जब गए तो हमने भी वही देखा है कि समस्या बहुत ज्यादा है, लोग तंग आ चुके हैं, परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर और किस तरीके से काम करेंगे? पब्लिक यहाँ परेशान है, बहुत समस्या है, कोई जानते नहीं, खाली आश्वासन देते हाँ होगा होगा, कचरा है, गटर है, रोड है, कोई समस्या कोई हल करता नहीं है। इसीलिए हमको मौका मिला है बहुजन विकास अघाड़ी ने हमको मौका दिया है और सरपंच उम्मीदवार दिए और इस मसौदे के हिसाब से हम यहाँ कार्य करने के लिए, विकास करने के लिए, सरावली हर घर का विकास होगा, गटर, कचरा, सड़क, हर चीज़ का, बिजली पानी की तकलीफ है वो भी सब समस्या दूर करने के, इसी समस्या होकर मैं यहाँ आया हूँ सरपंच के उम्मीदवार से, सरावली विभाग सरपंच उम्मीदवार से मैं खड़ा हूँ। अब हम जिस तरह से कल से इस चुनावी कैंपेन में जुड़े हुए हैं और सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी से, बहुजन विकास आघाड़ी के पालगढ़ जिला अध्यक्ष जी से हम अब बात करेंगे और उनसे जानेंगे। आज वो आए हैं अपने उम्मीदवारों के बीच में, उन्हें सराहना दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका तहलका न्यूज़ इंडिया में। ये जानना चाहेंगे सर कि विकास मुद्दा जो है वो चल रहा है, एक माइंड सेट भी बन गया है लोगों के बीच में कि बहुत परेशानी हो गई है, अब तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए। क्या कुछ बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से क्या कुछ आगे प्लानिंग और क्या कुछ सोचा गया स्ट्रेटेजी? सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे अध्यक्ष माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर साहब, अपा नाना क्षितिज दादा और नामचीन ऐसे आज बोईसर विधानसभा के आमदार राजेश जी पाटिल के, इनके नेतृत्व से आज पूरे जिले में राजेश जी का नाम चल रहा है, क्योंकि काम के वजह से। अपनी पार्टी सर ऐसी है कि आज तक कोई भेदभाव नहीं रखते, कोई जाति धर्म नहीं, कोई नहीं, इसलिए आज सब उम्मीदवार सभी मिल के सब भाई बहन के हिसाब से चल रहे हैं और पहली बार ऐसी उम्मीदवारी अजीत मेमन साहब को आज बोईसर में मिली है। आज तक सरावली गांव एक खेड़े गांव था, आज उसका आहिस्ता आहिस्ता शहर बन गया है। शहर के माध्यम से ऐसी कोई भी सुविधा नहीं, लेकिन लोगों की ये समस्या आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या क्या समस्या है। आज इधर गटर लाइन नहीं है, पानी की 8-8 दिन पानी नहीं आते है, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं है, तो भी अपने MLA साहब ने अभी हॉस्पिटल मंजूर किया है संजय नगर में, वो जल्दी से जल्दी हो गए। MLA साहब उस दिन आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे पानी हम इनको जिताएंगे तो जरूर करके देंगे और हमारा वादा है और हमारे पार्टी का ये नेतृत्व है कि कहाँ भी काम करो लेकिन एकदम मजबूती से करो और सब मिल के करो। और ये हम सब मतदारों को ये आश्वासन देते हैं कि हम इनसे और हमारे विधायक जी से जरूर सब काम पूरी करके देने कोशिश करेंगे, क्योंकि आज वीरार वसई का आज नजराना आप देख रहे, सब लोग बोलते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन आज वीरार वसई में जो है वो पूरा मेरे को लगता है महाराष्ट्र में भी नहीं ऐसा, अपने को आज बोईसर सरावली में स्थिति करना है। और ये तीनों उम्मीदवारों को, चारों उम्मीदवारों को बहुत प्रचंड मत से जीत के लाने का लोगों के ऊपर मैं मतलब उनको प्रार्थना करता हूँ कि इनको अच्छे उम्मीदवार को काम करने के लिए संधि दो और ये नहीं काम करेंगे तो उनके पीछे हम लोग, हम पूरी टीम है कि भाई इनका हाथ पकड़ के इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, घरपट्टी इनके क्यों नहीं कर रहे, ये समस्या हम सब पूरा टीम मिल के कर रहे हैं। और यहाँ के विधायक MLA राजेश पाटिल साहब जी ऐसे है कि आज पूरा बोईसर या अवध नगर में जितने भी रोड रास्ते बने वो उनके फंड से ही बने, आज तक कोई ध्यान नहीं दिया कि इधर क्या हो रहा था, क्या आते सब बहुत लोग आते हैं कि ये करूंगा लेकिन कोई ऐसा करता नहीं। आज जो ये हमारे राजेश पाटिल विधायक है, आज ये पूरा पालघर जिले में नहीं ठाणे जिले में आज उनका नाम है, क्या आज ऊपर तक बोलने वाला एक हमारा आदमी है और अपने को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज आपके सामने हम लोग आए कि नहीं अपना क्या दिल है और लोगों का क्या समस्या है, ये समस्या जरूर पूरी करेंगे हम और इनको बहुबच्चे चारों उम्मीदवार को जीतने दे दो, ऐसे में मेरे सब मतदार बंधुओं को विनंती करता हूँ। सर एक और बात आज हमारे सामने आई है, जब हम लोगों के बीच में गए थे आज तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरपंच ना होते हुए भी अजीज मेमन जी ने बहुत काम किया है, जमीनी तौर पर बहुत काम किया है और आमदार जी का भी नाम ले रहे थे राजेश पाटिल साहब जो है उनके नेतृत्व में बहुत सारे काम जो है बिना पोस्ट के बिना पद के उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पर जो है अंजाम दिए हुए हैं। सर ऐसा जो काम कर रहे हैं जबकि इनको उस वक्त पर सरपंच तो अभी बने नहीं है,
तो फिर भी वो पैसों को लेकर के अपना पैसा डालना, लोगों के बीच में आना और वह सब काम करना, तो क्या लग रहा है कि मतलब ये पहले से सोच थी कि हम आगे आकर के इस चीज को बढ़ाएंगे? या सर, सबसे बड़ी बात है कि उनकी बहुत इच्छा थी और उनकी इच्छा आज कामयाब हो रही है और इनका दिल एकदम फ्री है। आप आए, आपका सम्मान करना, आपको इज्जत देना, किधर मैच रहेगी, किधर कुछ कार्यक्रम रहेंगे, उनको खुशी से, उनको ऐसा नहीं कि ये कौन है, ये पार्टी कौन है, कि आदमी कौन, वो अब तक उन्होंने कुछ उसके मन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक उनकी इच्छा थी कि मैं आज ना कल सरपंच के लिए खड़ा रहूंगा और वो उनको चांस आज बहुजन विकास आघाड़ी से मिला है, वो बहुत खुशी की बात है। काम बोलता है, हाँ काम बोलता है, वही काम करके उन्होंने दिखाया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग त्रस्त थे उन्हें थोड़ा आराम देने के लिए अब बहुजन विकास आघाड़ी आ गई है और असल मुद्दा यहाँ विकास ही रहा है और विकास ही रहेगा। देखना ये है कि इस पर जनता क्या प्रतिक्रिया देती है। अब तक के जो हमने लोगों से मिले हैं और बात कर रहे हैं, वो लोगों का भी कहना विकास पर ही है, लगभग उनका एक ही विचार हो रहा है कि इतने दिनों से जब यहाँ पर बाकी चीज़ों को, इंडस्ट्रीज़ को इतने डेवलपमेंट मिलता है तो रेजिडेंशियल जोन को डेवलपमेंट क्यों नहीं मिलता है, गटर, पानी, लाइट और जो मूलभूत सुविधाएं वो क्यों नहीं मिलती है। सर, आखिरी एकदम आप सभी से सवाल करना चाहूँगा कि जनता से अपील आप क्या करना चाहोगे? पहले आप जनता से वही कहता है कि जो हम पे जो हमने काम किया है और हम पे विश्वास करके हमको भरपूर मौत देता है, हमको काम करने का मौका दीजिए, बाद में देखिए हम कैसे काम करते हैं। जो भी काम रुका हुआ है, ये सबसे पहला हमारा यही निश्चय कि जो काम बाकी है या है वो काम सबसे पहले करना है। जैसे गटर है, सबसे हमारे यहाँ गटर अपने पीछे हालत बहुत खराब, पानी रोड पर चलता है, पब्लिक बहुत दिक्कत है। हमारा यही लक्ष्य है कि सबसे पहले गटर की सुविधा करना है, फिर पानी की समझिए सबसे पहला लक्ष्य है। अगर पब्लिक ने हमको लाया, जनता ने हमको साथ दिया, सबसे पहला काम ये गटर का, सबसे बड़ी समस्या गटर की। और ये आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मेरी सबसे पहली मतदारों को विनंती है कि आज हमारे चारों कैंडिडेट सुशिक्षित है, उनको अक्ल है, उनको नॉलेज है क्या करना चाहिए क्या नहीं, और उसके पीछे पूरे टीम बैठी है, तो वो अगर न काम करेंगे तो ये हमारी जवाबदारी रहेंगे उनको हाथ पकड़ के काम करवा देने की। तो मेरी सभी मतदारों की विनंती है कि अजीज मेमन इस पे सिटी पे निशाना लगा के उनको बहुमत में जीता के लाओ। वसीम चौधरी, उनकी निशानी है टीवी, ये भी बहुत होशियार है और टैलेंट है, उनको जानकारी है किधर क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं, बाकी उन्होंने किया है ऐसे काम और नॉलेज है, इसलिए सब सुशिक्षित लोगों को लोगों ने समझ के आगे चांस मिला है वैसा चांस आगे लेके जाना चाहिए। तीसरे हमारे आशा भगवत मिश्रा, इनका है टेबल, और प्रीति सोनू पांडे, इनका है कपाट। ये चारों उम्मीदवारों को मैं मतदार बंधु और मेरे माता बहनों को विनंती करता हूँ कि इनको बहुमत से जीत के लाओ और आपकी जो जो समस्या है वो पूरी करके लो काम के माध्यम से। पैसा तो सब देते हैं लेकिन काम होना जरूरी है गांव-गांव में। आज जो आपको देख रहे हैं इधर उधर सब लाइट नहीं, ये नहीं, किधर रास्ते नहीं, आज तक कोई ऐसी जगह है कि रास्ते नहीं और लाइट नहीं, वो जरूर होना चाहिए और ये इनको चांस है और अपने पब्लिक को ये चांस लेना चाहिए कि आज बहुजन विकास आघाड़ी से आज पहली बार ऐसा इनको सबको टिकट मिला है, ये बहुत खुशी की बात लग रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहलका न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। तो सारा निष्कर्ष यही निकल रहा है कि लोगों में भी एक परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी है और परिवर्तन को लेते हुए विकास का मुद्दा बना रहे हैं बहुजन विकास आघाड़ी। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज इंडिया के लिए सरावली ग्राम पंचायत बोईसर से। सर, आपने